स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे खाने और एक्सरसाइज के अलावा आप तनाव मुक्त रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। और आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए नींद से अच्छा कुछ भी नहीं। लेकिन नींद एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। कई बार पूरी रात बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी नींद नहीं आती है, या आ भी जाती है तो बार बार नींद खुलती है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि हमारे जीवन का एक तिहाई समय नींद में ही गुजरता है। तो अगर नींद अच्छी नहीं होगी तो ये हमारे शरीर में बहुत से रोगों का कारण बन जाती है। इसके अलावा नींद ही वो समय होता है जब हमारे शरीर की हीलिंग होती है, हमारे शरीर रूपी बैटरी चार्ज होती है। तो सही नींद स्वस्थ जीवन की ओर एक पहला कदम है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे दो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और एक ब्रीदिंग टेक्निक, जिन्हें यूज़ करने से आपको डेफिनेटली नींद आएगी ही आएगी, और ये नींद ऐसी होगी जो आपने आज तक अनुभव नहीं की होगी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। तो क्या आप तैयार हैं आज तक की सबसे प्यारी नींद को एक्सपीरियंस करने के लिए? तो इसकी शुरुआत आपको शाम से करनी होगी। जो पहला स्टेप है कि आप अपना डिनर जल्दी कर लें। शाम को 7 बजे से पहले पहले आप अपना खाना खा लें और डिनर के बाद थोड़ी सी वॉक कर लें। और खाना ऐसा हो जो हल्का हो, आसानी से पच सके। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, सोने से ठीक पहले खाना खाते हैं, तो सोते वक्त आपका शरीर उस खाने को पचाने में लगा रहता है, तो ना तो आपके शरीर की हीलिंग ठीक से होती है और ना ही आपको ठीक से नींद आती है। बल्कि हैवी खाना खाने के कारण आपको सीने में जलन और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। खाने के बाद एक नज़र अपने बेडरूम पर डालें। अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बेडरूम साफ़ सुथरा हो। एक बढ़िया धुली हुई चादर बिछा लें। अगर आपको किसी ख़ास तरह का म्यूज़िक पसंद है तो बेडरूम में म्यूज़िक चला सकते हैं। किसी ख़ास खुशबू से आपको लगाव है तो आप उस खुशबू का प्रयोग अपने कमरे में कर सकते हैं। ये जो फील गुड फैक्टर है ना, ये आपकी नींद में बहुत सहायक होगा। बेडरूम के साथ साथ अपने कपड़े भी साफ सुथरे हों, धुले हुए हों, आरामदायक हों। यकीन मानिए, ये चीज़ें देखने में बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन ये आपकी नींद के लिए रामबाण साबित होंगी। एक और काम करना है, सोने से पहले अपने पैरों को ज़रूर धोना है। मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं। पैर धोने से क्या होगा कि पैरों में जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो आपके पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, शरीर की एक एक मांसपेशी रिलैक्स हो जाएगी। छोटे मोटे दर्द हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे और आप पूरी रात अच्छी नींद का आनंद ले पाएंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, आराम से बिस्तर पर बैठ जाएं और अपने हाथ की हथेली में बीचों बीच ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसे आपको प्रेस करना है। जब इस सोलर प्लेक्सस पर आप काम करते हैं तो ये आपके मन को पूरी तरह से शांत कर देता है। दोनों हाथों में आपको इस पॉइंट को एक्टिवेट करना है। आराम से एक एक दो दो मिनट इस पॉइंट को प्रेस करें। जिस वक्त ये कर रहे हैं, लंबी गहरी सांसें ज़रूर लेते रहें। डीप ब्रीदिंग अपने आप में आपके मन को शांत करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। देखिए, नींद में जो एक सबसे बड़ा अवरोध होता है वो ये कि मन में बहुत से विचार चल रहे होते हैं। दिन भर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक पिक्चर की तरह हमारे दिमाग में सोते वक्त चलना शुरू हो जाता है। तो उन विचारों को कम करने के लिए, मन को शांत करने के लिए ये पॉइंट बहुत इफ़ेक्टिव है। और अच्छी नींद आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बना देती है। एक भरपूर नींद आपके लिए एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है। शरीर के साथ साथ मन के दर्द भी रात भर की नींद में दूर हो जाते हैं। एक एक मिनट जब इस पॉइंट को प्रेस कर लें, तो दूसरा पॉइंट है आपके आईब्रो के बीच में, यहाँ पर आज्ञा चक्र जो है, थर्ड आई, इस पॉइंट को आपको एक्टिवेट करना है। आराम से आंखें बंद करके 1 मिनट क्लॉकवाइज और 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट को एक्टिवेट करें। इस समय भी आप लंबी गहरी सांसें जरूर लेते रहें। ये करते करते आप महसूस करेंगे
कि आपका मन बहुत शांत हो गया है। आप अभी करें मेरे साथ, आप खुद महसूस कर पाएंगे कि ये कितना इफेक्टिव है। मन तो शांत हो ही रहा है, नेगेटिव विचार खत्म हो रहे हैं, शरीर एक गहरे रिलैक्सेशन में जा रहा है। हर सांस के साथ आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हुए इस पॉइंट को एक्टिवेट करें। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग भरपूर नींद का आनंद लेते हैं वो ज़्यादा यंग और फ्रेश नज़र आते हैं, क्योंकि ये आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से दूर रखती है। बहुत सी बीमारियाँ जो स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, थायराइड जैसी समस्याओं से आप दूर रहते हैं। अब अपने हाथों की हथेलियों को आपस में मलें और आँखों पर रख दें। ये जो हथेलियों की गर्माहट है, इसे अपनी आंखों पर महसूस करें। ये इतना रिलैक्सिंग है कि आपकी आंखें नींद से भारी होने लगेंगी। अब बस आराम से लेट जाएं, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें और लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग आपको करनी है। राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेना है, सिर्फ लेफ्ट से सांस भरना और छोड़ देना। फिर से लेफ्ट से सांस लेना और छोड़ना। आरामदायक स्थिति में लेटे हुए ये आपको तब तक करना है जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। मेरा दावा है 10 सांसें लेते लेते आपको गहरी नींद आ जाएगी, क्योंकि ये लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग जो है ये आपके शरीर में चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेगा, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, जो कि रेस्ट का मोड है। आपका शरीर समझ जाता है कि ये समय आपके आराम का है, दिमाग शांत हो जाता है, शरीर रिलैक्स हो जाता है, सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और आप पूरी रात भरपूर नींद का आनंद उठा पाते हैं। ये नींद आपकी अब तक की सबसे प्यारी नींद होने वाली है। तो आप सपनों में खो जाएं और मुझे इजाज़त दें। एक और चीज़ कि अगर अनिद्रा की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नींद की गोलियां लेने की नौबत आ गई है, तो आप सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसे आप सोने से पहले चलाएं, इसे सुने। मेरा दावा है 21 दिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपकी नींद की दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाने वाली हैं। ये आपका वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। करके देखें और अपने एक्सपीरियंस हम सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।